आज हम लोग पढ़ेंगे डिवीज़न। ये है चैप्टर नंबर 6। सेकंड क्लास में डिवीज़न का साइन तो याद ही होगा आपको, डिवीज़न का साइन क्या होता है। जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं डिविडेंड। जिस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है उसको डिवाइज़र। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है उसको कहेंगे कोशियंट। और अगर डिवाइड करने के बाद नीचे कोई नंबर बच जा रहा है तो उसको कहेंगे रिमाइंडर। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज पे। 6.1 और 6.2 ये एक्सरसाइज बुक में ही करनी है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं इसमें। का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है पुट द टोमेटोज इन द पॉट्स। दो पॉट हैं और टेक 8 टोमेटोज। 8 टोमेटो हैं, इसको हमें दो पॉट में रखना है। लिखा है 8 शेयर्ड इक्वली बाय 2 इज। 8 को अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4। ईच पॉट विल कंटेन 4 टोमेटोज। 8 टमाटर हैं हमारे पास, 4 इसमें रखेंगे 4 इसमें रखेंगे तो 8 हो जाएंगे टोटल। इसी तरह से एक और बता दे रहे हैं, टेक 15 टोमेटोज। 15 टोमेटोज लिए गए हैं, पॉट कितने हैं 3। 15 शेयर्ड इक्वली बाय 3 इज, 15 को अगर हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो कितना आएगा, तो 15 डिवाइडेड बाय 3, मतलब 3 की टेबल में पढ़ना है 15 कब आता है, 3 की टेबल में 15 कब आएगा, तो 3 5 जा 15 होता है, तो 5 ये हमारा आंसर हो गया। ईच पॉट विल कंटेन 5 टोमेटोज, हर पॉट में कितने टमाटर होंगे 5। अब है नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2, फाइंड आउट हाउ मैनी टब्स आर नीडेड। इसमें बताना है कि कितने टब्स की ज़रूरत पड़ेंगी। 20 एप्पल्स, 5 एप्पल्स इन अ टब। 20 एप्पल्स है, अगर एक टब में 5 हैं तो हमें कितने टब की ज़रूरत पड़ेंगे। 20 इन इक्वल ग्रुप्स ऑफ 5 गिव डैश ग्रुप्स। 20 एप्पल्स हैं, 5 5 का ग्रुप बनाया गया है, तो कितने एक ग्रुप में वो कितने मतलब ग्रुप बनेंगे हमारे टब के। तो 20 को हम डिवाइड कर दिए 5 से तो कितना आ जाएगा 4। 20 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 4, तो कितने टब्स की ज़रूरत पड़ेंगी 4 की। ठीक है, इसी तरह से ये टब वाला एक और क्वेश्चन है, सेम इसी तरह से इसको करना है। नेक्स्ट है फाइंड हाउ मैनी ग्रुप्स। इसमें हमें बताना है कि कितने ग्रुप्स बनेंगे। 12 ब्रिंजल्स इन ऑल, टोटल हमारे पास कितने ब्रिंजल्स हैं 12। 4 इन ईच ग्रुप, हर ग्रुप में कितने होने चाहिए 4, तो 12 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 4 से हमें डिवाइड करना है 12 को, तो कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, तो आंसर आ जाएगा 3। तो टोटल ब्रिंजल्स कितने थे 12, तो यहाँ लिख देंगे 12 ब्रिंजल्स इन 3 ग्रुप्स। 12 ब्रिंजल्स हैं, 3 ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है, इसी तरह से इसको करना है। ठीक है,